आपने एक अनोखी पहल शुरू की है, थाने के सिपाहियों और एसओस द्वारा जो है गांव में जाके जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बच्चा चोरी का अफवाह है और इस पे जो है गौर न करें। कैसी पहल है जी? अभी हाल ही में जो पीपलपुर में घटना हुई उसके बाद सभी थाना अध्यक्षों को और सभी क्षेत्राधिकारियों को मेरे द्वारा सचेत किया गया और एक मीटिंग की गई जिसमें बहुत दिशा निर्देश दिए गए और उसी के चलते अब हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि हर थाना क्षेत्र में हर हलके में बीट सिपाही पीआरवी के साथ जाकर एक उनको एसओपी बताया गया है कि अगर इस तरह की अफवाह की सूचना आती है तो पुलिस को क्या करना है। सबसे पहले जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको वहाँ से तुरंत इवैक्यूएट किया जाएगा और वहाँ जितने भी लोग इस अफवाह को फैलाने में और इस हिंसा को फैलाने में शामिल हैं उनको उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताया गया कि सिर्फ 151 में प्रिवेंटिव डिटेन हम लोग नहीं करेंगे, इसके अलावा जो भी इसमें अफवाह फैलाएगा उसमें 505 आईपीसी धारा के तहत हम कार्रवाई करेंगे। यदि हिंसा की जाती है और मारपीट की जाती है और यदि उसमें पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो उसमें और कड़ी कार्रवाई की जाएगी और NSA की धारा में भी कार्रवाई करने का इसमें हमारे पास राइट है, हम लोग इसमें NSA की भी कार्रवाई कर सकते हैं। यही जागरूकता का हम अभियान चला रहे हैं क्योंकि गांव की जनता है अफवाहों पर जल्दी विश्वास कर लेती है, तो हम लोग जो भी ग्राम सुरक्षा समिति के मेंबर्स हैं, जो सिविल वार्डन्स हैं, जो पीस कमेटी के सदस्य हैं, वहां के गांव के संभ्रांत लोग हैं, वहां के प्रधान हैं, वहां के चौकीदार हैं, वहाँ की जितनी भी सभाएं और समितियां बनी हुई हैं सब लोगों को बुलवाकर, वहाँ के व्यापार मंडल को बुलवाकर, सभी को बुलवाकर पहले थाना स्तर पर और तहसील स्तर पर उनको अवेयर किया जाएगा और उसके बाद उन्हीं के साथ भ्रमण करते हुए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की मदद से एक मुनादी कराई जाएगी, एक अवेयरनेस के तहत एक अनाउंसमेंट किया जाएगा कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। यदि इस तरह की अफवाह किसी के संज्ञान में आती है तो तुरंत अमेठी पुलिस को संपर्क करें, ना कि उस अफवाह को फैलाएँ और उससे हिंसा बढ़े।